समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? करो तुम कोशिश, हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र से कश्मीर घाटी के सियासतदानों को मिर्ची लग गई है। कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटाने का बीजेपी का चुनावी वादा उन्हें इस कदर खला कि इसे कश्मीर में कोहराम की वजह बताने लगे। तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और इसे संकल्प पत्र नाम दिया। 75 टारगेट वाले इस संकल्प पत्र में कश्मीर से धारा 370, अनुच्छेद 35A हटाने और देश में समान नागरिक संहिता लागू करने और कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी का वादा किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ हैं। साथियों, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से झांसों तक है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने से अब तक पिछले करीब 5 सालों में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को लेकर कश्मीर घाटी में कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें इन दिनों विशेष प्रावधानों से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की गई। धारा 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच चुका है। इसके खिलाफ 4 याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368A में बिना संविधान संशोधन के जोड़ा गया। इसे संसद की मंजूरी के बगैर लागू किया गया, लिहाजा इसे हटाया जाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के सियासतदान तर्क देते हैं कि ये दोनों विशेष प्रावधान अक्टूबर 1947 में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बीच हुए समझौते का नतीजा है। ऐसे में इसे हटाने का मतलब वो समझौता तोड़ना है। बीजेपी क्यों धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने का चुनावी वादा कर रही है, अब ये समझ लीजिए। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है, जिससे केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती हैं।